बंद है तो तभी ये रोड अच्छी है। अगर इस पे बारिश एक दो बारी पड़ जाए तो आपको इस रोड पे पूरा का पूरा कीचड़ देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके जो हेलमेट वगैरह हैं वो भी सारे बंद हैं। सब आपने अपने घर जाना है मेरे। तो देखिए दोस्तों कितनी ज़्यादा मात्रा में पाला गिरा हुआ है और बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पे। और खाली ढहिए के नीचे। हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक और बार मेरे यूट्यूब चैनल लव राइड अनन्नू में। तो सुबह के बज रहे हैं 8 और हम हैं खाली ढहिया में, जबकि हम जा रहे हैं शॉप की ओर। और मेरे साथ पीछे खड़े हैं रोशन भाई। रोशन भाई जो है कल रात से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं नदियाल, पहले हम छोड़ेंगे रोशन भाई को। पर इतना ज़्यादा पाला जो है यहाँ पे गिरा हुआ है, पूरा जो है सफ़ेद, हल्की फुल्की जैसे बर्फ गिरी हो उस हिसाब से यहाँ पे मौसम हुआ है। और सामने हमारा छोटा सा गांव, बड़ा प्यारा गांव कुंदनपुर। तो देखिए दोस्तों कितनी ज़्यादा मात्रा में पाला गिरा हुआ है, बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पे। और खाली ढहिए के नीचे ये दोस्तों बहुत खेत बिल्कुल सफ़ेद हो गए हैं। तो एक पाले से जो है वो जो लाई है सब कुछ सब कुछ बिल्कुल ख़राब हो जाती है। गेहूँ के जो पौधे उग रहे हैं वो पीले पड़ जाते हैं पाले से, क्योंकि ये पाला इतना खतरनाक है ये पेड़ पौधों के लिए। आजकल बहुत ही गंदी चीज़ है, मतलब हम कह सकते हैं इसको हर एक फसल को, हर एक पेड़ों को, बड़े बड़े से पेड़ों को भी ये बर्बाद कर देती है। पेड़ों के पत्ते जो है धीरे धीरे पीले होने लगते हैं इससे। और वहाँ सामने आपको दिखाई दे रहा होगा ये शैलदे घाटी जो है बिल्कुल कोहरे से ढकी हुई है। तो वहाँ जो है वहाँ सूखी ठंड पड़ती है, कोहरा वाला जो कोहरे से धुंध लगती है उसमें से फिर सूखी ठंड पड़ती है। और यहाँ जो है हम ठंडे इलाके में हैं, यहाँ कोई घाटी वगैरह नहीं है, तो यहाँ पर पाला ही पड़ता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ता है। और फिर वहाँ बर्फ़ कभी जमती है नहीं, और हमारे यहाँ जो है बर्फ़ बहुत ज़्यादा जमती है। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं क्योंकि रोशन भाई को पूरा लेट। कहाँ जाना भाई साहब आपने? अभी हम खाली ढैया से आगे निकल चुके हैं और आज हमारे साथ राइडर हैं रोशन भाई, तो बाइक को ड्राइव कर रहे हैं और हम अपना ब्लॉग कर रहे हैं तैयार। ये घनियाल वालों का जंगल है। रोशन भाई को जो है बाइक चलाना हमने सिखाया है और ये काफ़ी अच्छी बाइक हम चला रहे हैं। अब तो बिल्कुल ये हवा भरे हुए। दोस्तों यहाँ से जो रोड नीचे को जा रही है यहाँ, ये सीधा उफरेखाल और सॉरी सरायखेत और ये उफरेखाल जा रही है और ये हमारी गांव वाली रोड है। और इसके नीचे सामने ठीक ये देखिए ये भेड़गांव के रोड जाती है। बंद ही लगनी यार ये बाइक, जिंदगी बर्बाद करके रखी। ये पूरा चीड़ के जंगल यहाँ पर पूरा जो है ये चीड़ का ही जंगल है। दोस्तों इस सड़क के विषय में हमने आपसे 5 या 6 वीडियो में बात की है और ये रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मेन मार्ग है रामनगर से नागसला वाला मार्ग यही है और यहाँ पर इकट्ठा होता है रोड पर, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है और इतनी खराब रोड, डामरीकरण का इसमें कोई सीन नहीं है, नाली इस रोड पर है नहीं। तो आजकल तो फिर बारिश अगर बंद है तो तभी ये रोड अच्छी है। अगर इस पर बारिश एक दो बारी पड़ जाए तो आपको इस रोड पर पूरा कीचड़ देखने को मिलता है।
मिलेगा, क्योंकि इसके जो कलमट वगैरह हैं वो भी सारे बंद हैं। जैसे सामने आप देख सकते हैं वहाँ पे ये कलमट है और बंद पड़ा हुआ कलमट। तो बारिश ना होने के कारण अभी रोड अच्छी है और इस पर हम ड्राइव कर सकते हैं सेफ, लेकिन जब बारिश हो जाती है एक दो बारी तो ये काफ़ी गंदी रोड बन जाती है। और हमने बताया भी आपको बहुत सी वीडियो में इस रोड के हाल कैसे हैं। ये देखिएगा इस धूल भाई साहब वाटर। अगर कोई बंदा यहाँ पे एक घंटे धूप फेंकने बैठेगा और 10 गाड़ियाँ निकलेंगी तो वो बंदा फिर पहचाना नहीं जाएगा ये कौन अच्छा आदमी यहाँ पे बैठा हुआ था और क्यों बैठा हुआ था। तो इस तरह के कुछ बहुत गंदे हाल है इस रोड के। आराम से हाँ ठंड अरे यहाँ से जो ये रास्ता ऊपर जा रहा है ये ढंडियाल बाखरी मतलब मल्ला खनियाल के लिए जा रहा है, सीधा यहाँ से गांव में पहुँचता है। पदमश्री के पेड़ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा वहाँ था हमें। जैसे हमारे गांव में एक लंबा पेड़ है जिसे पेड़ भी कहते हैं, मतलब उसमें हम कोई हथियार यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ घनियाल में इतनी मात्रा में पदम के पेड़ हैं कि वो चारे के लिए भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। और सामने है तल्ला घनियाल और उसके बाद हम जाएंगे सरायखेत बच्चों को लेके। आज हर्षित और अर्णव भी जाएगा क्योंकि डुगू जो है अपने मामा के घर है और आरब जो है वो भी अपने मामा के घर है। अभी भाई अभी हमारा रामनगर ही है, रामनगर से अभी आया नहीं। तो ठंड जो है इतनी ज़्यादा है, पहले उससे पहले आपको मौसम दिखाते हैं एक बार, नज़ारा दिखाते हैं यहाँ से चारों तरफ का, उसके बाद आपको ठंड बताते हैं कितनी ज़्यादा ठंड है। सामने गाइस आप देख सकते हैं ये नीचे जहाँ पे तीन घर हैं ये खेतों गांव है, उधर उफरा खाल है और वो भी उफरा खाल है, और इधर इसके इधर इधर यहाँ से दिख रहा है आपको पेड़, इसके उधर पूरा चौथान पड़ जाता है उधर आगे। हमारे पहाड़ों में विकास जो है कुछ इस तरीके से हुआ है, आप देख सकते हैं ये जो पक्की रोड है ये चक्कर गाँव घुपटी गाँव हो जाएगी और उसके सामने से कच्ची रोड कटी है घनियाल के लिए। एक छोटा सा गांव है सामने घनियाल, वहां के लिए भी रोड कटी हुई है, ये देख सकते हैं आप। सबसे अच्छी ज़रूरत अभी यहाँ पे एक यात्री स्टैंड ही है जिसके लिए काफ़ी मांगी कर रखी है लोगों ने, आए तो बन जाए भाई। इस जगह को हम एक नंबर कहते हैं। बांदर नहीं दिखना आज क्या बंदर ताली होने से क्या गरम। अब चलो भाई आज का ब्लॉग करते हैं, तेल भर गया आज। मौसम कुछ इस प्रकार से है, ये रोशन सिंह है, ये मौसम नहीं है, मौसम हम आपको आप दिखा रहे हैं। चारों तरफ जो है आसमान जो है काफ़ी खुला हुआ, काफ़ी साफ मौसम। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कितनी ज़्यादा मात्रा में जो है पाला गिरा हुआ है। गाइस फिलहाल मैं अपने घर पे और दिन का खाना जो है कंप्लीट हो चुका है। तो मौसम ने देखिए किस तरह से रंग बदला आज तुरंत ही। आइए अब आपको मौसम दिखाते हैं जो मैंने सुबह दिखाया था। ये देखिए गाइस सुबह आसमान में एक भी बादल नहीं था, लेकिन अब आसमान जो है पूरा बादलों से भर चुका है। आज बारिश आने की आशंका और ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। कहाँ जाना था जी? चल कहाँ? चल पॉट है मतलब नहीं याद होता। अभी बोलो अगर दोस्तों यही मौसम रहा उनकी बलिया बाइक देख तो बारिश आने की जो है आशंका बढ़ जाएगी। और बारिश ज़रूरी भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया फसलें जो हैं पीली पड़ चुकी हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप पेड़ के पत्ते जो हैं सब पीले हैं। तो बारिश आनी बहुत ज़रूरी है और मौसम अगर ज़्यादा ही ख़राब रहा तो बर्फ़ भी गिर सकती है थोड़ी बहुत, और मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है। जो शुरुआती का जो मैंने आज शुरुआत में जो ब्लॉग शुरू किया था वो जो वीडियो बनाई है रोशन भाई के फ़ोन से मैंने बनाई है, तो आप लोग प्लीज़ सबके सब बताएं कि किस तरह से जो है कैमरा है सही है या वीडियो जो है सही बनी है नहीं बनी है रोशन भाई के फ़ोन से।
क्योंकि उस टाइम पे मेरा फ़ोन तो चार्ज नहीं था। अब मैं अपने फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ, तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताएं कितना अच्छा जो है कैमरा रोशन भाई का है। गाइस शाम के बज चुके हैं 5 और मौसम आप देख सकते हैं पूरा अभी बादलों से ढका हुआ है आसमान। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहें हमारे चैनल अब राइडर नंदू। टाटा, बाय बाय।